Bengal leader of opposition Suvendu Adhikari, along with other BJP MLAs, have been protesting inside the state assembly against the RG Kar Medical College and Hospital rape murder case. Of course, pertinent to the case, Suvendu Adhikari has asked CBI to tighten its grasp and take Dr. Sandeep Ghosh under custody. He has also said that BJP wants Bengal CM Mamata Banerjee to resign. Let's in fact listen into what he said. सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर ओभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एडुकेशन, एंड डॉक्टर ओभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज। All right, again, developments and details coming in at this point of time. A protest, of course, being held at this point of time. My colleague Renik is still with us on the broadcast. Renik, of course, Bengal leader of opposition Suvendu Adhikari has slammed the TMC, and they're also demanding the resignation of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. He's also, in fact, spoken about Dr. Sandeep Ghosh, who's the principal of this college and hospital. Now, again, you know, as far as he's concerned, there's no action, so to speak, that's been taken against him. If you could take our viewers through what exactly Suvendu Adhikari is then insinuating. देखिए, सुवेंदु अधिकारी की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो क्लेम किया जा रहा है ये संदीप घोष और एसपी सिन्हा और विनीत गोयल, ये तीनों के नाम पे, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुवेंदु अधिकारी को लगता है कि पहला दिन जिस दिन ये पूरा घटना घटा था, फ्राइडे मॉर्निंग को जब विनीत गोयल खुद इधर मौजूद हुए थे, उसके ठीक पहले ही हॉस्पिटल के तरफ से फैमिली को बोला गया था कि ये जो लड़की सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट, इन्होंने सुइसाइड किया है, और उसके बाद पुलिस की तरफ से मर्डर केस चालू किया गया, उसके बाद रेप केस का जो सेक्शन वो सेक्शन ऐड किया गया, और इसी के आधार पर बीजेपी की तरफ से बार-बार से दावा किया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से और आर्जीकर हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से ये पूरा मामले को छुपाने का कोशिश किया जा रहा है, और इसी वजह से संदीप घोष और विनीत गोयल और उसके साथ साथ ही जो हेल्थ सेक्रेटरी एसपी सिन्हा, उनके अगेंस्ट में भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बयान दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये पूरा मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर, या बोल सकते हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर, क्योंकि पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के अंडर में ही आता है, और इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए, ये पूरा मामले को सामने रखते हुए, क्योंकि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का जो इंसिडेंट, ये पूरा देश भर में चर्चा चल रहा है। आरजी कौर इंसिडेंट में कल एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी कहा गया था कि ये पूरा इंसिडेंट में एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये सिक्योरिटी लैप्स का जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये सवाल ही बार बार से सामने आता है, और इसको लेकर ही फिर से एक बार बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर। राइट, एब्सोल्युटली Renik, thanks for joining us and sharing all those details with our viewers. Meanwhile, Congress leader Pawan Khera has slammed BJP and said that they have no moral right to speak a word on this. Let's in fact listen into what he said. Nirbhaya ke baad aisa laga ki kathor kanoon aaye, shayad kuch sthiti sudharegi, lekin lagatar ek ke baad ek, wo Kathua ho, wo Unnao ho, wo Hathras ho, Lalitpur ho, lagatar देश के हर कोने से इस तरह की खबरें आती हैं, और बड़ा हृदय विदारक ये घटना थी। डॉक्टर जो कि समाज को स्वस्थ रखते हैं, लोगों को स्वस्थ रखते हैं, हम उनको सुरक्षित नहीं रख पा रहे, इससे ज़्यादा दुखदायी और क्या बात हो सकती है। मुझे लगता है तमाम राजनीतिक दलों को इसको ज़बरदस्त प्राथमिकता देते हुए मिल बैठ कर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर कहाँ हम लोग चूक रहे हैं, समाज में इस तरह के अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों अपराधियों को लगता है कि वो बच सकते हैं, कठोर कानूनों के बावजूद उनको ऐसा लगता है, तो कहीं ना कहीं हम सब राजनीतिक दलों में कोई कमी है, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। देखिए, बीजेपी का तो कोई नैतिक कर्तव्य, मतलब हक ही नहीं बनता कि इस पे एक शब्द भी बोलें। जो कठुआ में बलात्कारियों के पक्ष में
प्रदर्शन करते हुए पाए गए, जो उन्नाव में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, जो हाथरस में बलात्कारी के पक्ष में खड़े हुए दिखे, उनका क्या हक बनता है कि वो किसी भी ऐसे मुद्दे पर कोई शब्द बोलें? पहले आप अपनी कथनी तो देखिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.